नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि मेरे भाई ने जो है वो अपने हिस्सा का जमीन फ्रंट से ही बेच दिया, मतलब जो जमा में जमीन था उनका जितना हिस्सा होना चाहिए था उसने क्या किया कि फ्रंट में सामने वाला ही जमीन वो सारा बेच दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि अगर मान लीजिए जमा में कोई जमीन है और कोई व्यक्ति उसको फ्रंट से ही सारा जमीन बेच लेते हैं अपने हिस्से का, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए जो है सर्वप्रथम आपको एक अमीन से उसकी पैमाइश करानी होगी, ठीक है, और वैसे अमीन जो कि आपको उसका रिपोर्ट भी दे। और उन्होंने जिसने जो है फ्रंट से ही जमीन को बेच दिया है उसको दर्शाते हुए रिपोर्ट बना कर दे, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है आप रजिस्ट्री ऑफिस और राजस्व कर्मचारी के पास फाइट कर सकते हैं आवेदन देकर, ठीक है। उसका जो है रजिस्ट्री कैंसिल और जो है दाखिल खारिज उसका हो चुका होगा तो वो भी कैंसिल हो सकता है। आप फाइट करेंगे प्रूफ के साथ तो ही जो है ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रंट में जो भी भाग है तो अगर बिना बताए इस तरह से कोई करता है तो उसको फिर उस तरह का शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। शेयर उनका उतना मिलेगा लेकिन क्या है कि फ्रंट से ही सबको बराबर मिलेगा, और उसने फ्रंट से ही पूरा जमीन अपना बेच लिया है अपने हिस्से का, तो ये सही नहीं है। तो आप इस तरह से फाइट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।